Hey Logirans, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there which you should not miss. Law Students Study Tips series. देखिए इस सीरीज में व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इज ऑल द टिप्स और ऑल द थिंग्स दैट यू शुड नो एज अ लॉ स्टूडेंट फॉर स्टडिंग लॉ प्रॉपरली ठीक है ना आपको बुक्स कैसे चूज करनी चाहिए आपको एग्ज़ाम में कैसे के लिए कैसे पढ़ना चाहिए सब कुछ नोट्स का सब कुछ मैं बताने वाली हूँ इस सीरीज में ये है एपिसोड नंबर वन और इस एपिसोड का एजेंडा ये है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन लॉ एग्जाम्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉ एग्जाम्स फ्रॉम वेयर टू स्टडी फॉर लॉ एग्जामिशन जो कॉमन क्वेश्चन हैं तो बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं एक वीडियो करूँगी और उसमें सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी जो आप लोग पूछ रहे हैं क्योंकि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स लॉ एंट्रेंस के एसपेरेंट्स थे वो सब अब लॉ कॉलेज में पहुँच गए लॉ स्टूडेंट्स बन गए हैं और अब वो उनकी क्वेरीज होते हैं दी हम ये कैसे करें ये कैसे करें तो आई थॉक मुझे एक सीरीज करनी चाहिए तो ठीक है ना ये एपिसोड नंबर वन है आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क अ लॉ स्टूडेंट जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए मैं उसका या तो कॉमेंट सेक्शन में ही जवाब दे दूँगी अगर मतलब बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हुई बट अगर एक डिटेल्ड वीडियो करनी पड़ी तो मैं वो भी कर दूंगी राइट right? ये जो सीरीज है ये एक से पांच एपिसोड्स की होगी बस उसके अंदर हम सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर देंगे चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ हम बात करेंगे दैट हाउ यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर लॉ एग्जाम्स ठीक है तो स्टेप नंबर वन इज एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको सारे का सारा सिलेबस नहीं कवर करना है बिकॉज हमारे थ्योरी टाइप एग्जाम्स होते हैं अगर आपके थ्योरी टाइप एग्जाम्स हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई चीज होती है जो हमें समझ भी आ गई वी हैव अंडरस्टूड इट बट हमें उसको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है क्या प्रॉब्लम आती है लर्न करने में प्रॉब्लम आती है तो अगर हम सारे का सारा सिलेबस लर्न करने बैठ जाएँ क्वाइट डिफिकल्ट बट अगर हमें पता हो कि क्या इंपॉर्टेंट है हम उसको लर्न कर लें और बाकी सबको रीडिंग दे लें तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा तो इसीलिए हमें कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं हमें वो पता चलेगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेंगे और उनको एनालाइज करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि पेपर्स एनालाइज कैसे करने हैं नंबर वन अ प्रिंट आउट ऑफ प्रीवियस फाइव ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रीवियस फाइव ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने बहुत ज़रूरी है नॉर्मली आजकल यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पे डाल देती हैं अगर वेबसाइट पे नहीं अवेलेबल तो लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इनकी फोटो कापी आपके पास होनी चाहिए प्रिंट आउट होने चाहिए एग्जाम शुरू होने से पहले यह आपके पास होने चाहिए आपने नाउ क्रिएट अ लिस्ट इन विच ईयर फ्रॉम विच टॉपिक्स क्वेश्चन वर आस्ड ये आपने लिस्ट बनानी है कैसी सी लिस्ट होनी चाहिए मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर 2015 के क्वेश्चन पेपर उठाया 2015 का आपने सारा नोट कर लेना है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे टॉपिक्स नोट करने हैं यहाँ पे मान लीजिए आप जुरू का एग्जाम है तो आप उसकी यू नो एनालाइज कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर तो सालम uh, का क्वेश्चन आया था या ऑस्टिन का क्वेश्चन आया था या यू नो प्रडेंट के बेस पे क्वेश्चन आया था सोर्सेज ऑफ लॉ का क्वेश्चन आया था तो आप बेसिकली डायरेक्ट टॉपिक्स नोट कर लेंगे समझ आ क्या 2015 का क्या 2016 का क्या 2017 का क्या ऐसी दो पेजेस पे मान लीजिए ये आपका रजिस्टर है तो यहाँ पे आप ट्वेंटी फिफ्टीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी का जो भी है आप वो नोट कर लेंगे यू विल मेक अ नोट ऑफ इट राइट सम टॉपिक्स आर देयर इन ऑल्टरनेट इयर्स चेक फॉर देम अब क्या होगा जब हम एक ऐसी सी लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे हमें पता चल जाएगा क्लियरली कि कौन से ईयर uh, में कौन सा टॉपिक आया था राइट right? mm. अब आप देखोगे आपने ट्रेंड्स नोटिस करना है क्या नोटिस करना है ट्रेंड्स नोटिस करने हैं ट्रेंड्स नोटिस करने का मतलब क्या होता है आपने फॉर एग्जांपल देखना है कि ऑल्टरनेट ईयर्स में कौन से टॉपिक्स आए हैं कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एक साल आते हैं मान लीजिए 2015 में टॉपिक आया 2016 में नहीं आया फिर 2017 में आया 2018 में नहीं आया ठीक है ऐसे से कुछ ट्रेंड्स होते हैं जो आपको नोट करने को मिलेंगे नोटिस आप कर पाएंगे बहुत क्लियरली अगर आप ऐसा सा पैटर्न ऐसे से पैटर्न में नोट कर लेंगे अपने क्वेश्चन पेपर वैसे कि टॉपिक्स कौन से आए थे अब आपके पास दो लिस्ट होनी चाहिए दो लिस्ट मतलब दो लिस्ट का मतलब ये है कि एक तो आपने लिस्ट बना ली ये वाली कि ठीक है कि कौन सी ईयर में कौन सा टॉपिक आया था सिंपल ठीक है ना अब दूसरी लिस्ट क्या होता है कभी कभी क्या बहुत बारी ऐसा ही होता है कि एक टॉपिक में से मान लीजिए एक चैप्टर है कोई भी ठीक है उसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं ठीक है और मल्टीपल क्वेश्चन ही एग्जाम में आए हुए हैं मल्टीपल क्वेश्चन मान लीजिए 2015 में एक टाइप का क्वेश्चन आया ट्वेंटी एक ही टॉपिक में से मान लीजिए चैप्टर वन है आपका चैप्टर वन में से ही क्वेश्चन था बट 2015 में कोई क्वेश्चन था 2016 में कोई 17 में आपके पास इसकी भी लिस्ट होनी चाहिए जब आप ये जो है ये ईयर वाइज लिस्ट मत बनाओ सिंपली क्वेश्चन लिख के टॉपिक वाइज क्वेश्चन नोट करो मान लीजिए चैप्टर वन आप नोट कर रहे हो तो चैप्टर वन ऐसे लिखोगे एक मिनट मैं ये डिलीट कर दू चैप्टर वन लिखोगे एंड सिंपली क्वेश्चन लिखोगे उस चैप्टर के जो एग्जाम में आए हुए हैं ठीक है ना कुछ भी क्वेश्चन आया हुआ है मान लीजिए रिपीटेड क्वेश्चन आया तो प्लस वन प्लस वन करते रहोगे उससे क्या पता चलेगा हमें इंपॉर्टेंस पता चलेगी इस क्वेश्चन की ठीक है ना तो जब हमें डिसाइड करना होगा कि किन टॉपिक्स के हमें नोट्स बनाने हैं या कौन से टॉपिक्स हमें पहले करने हैं तो वो हम इजिली डिसाइड कर पाएंगे ओके नोट इट विल टेक गुड टू टू थ्री आवर्स इफ यू वॉन्ट टू एनालाइज द पेपर properly इसमें time बहुत लगता है दो से तीन घंटे आपके लग जाएंगे if you want to analyze the questions and your question papers properly but इसको neatly करना है अच्छे से ध्यान से करना है प्रॉपरली और अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको अपने आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे ठीक है ना तो ये आपने करना है एंड मान लीजिए आपके एग्जाम में लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप ऐसे ही लिस्ट क्रिएट करेंगे राइट right? तो ये करना अगर आप ये करेंगे तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पता चल जाएंगे नंबर वन नंबर टू अगर आप आगे जाके प्रिपेयर प्रे, करते हुए कन्फ्यूज भी हो जाएंगे कि क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए और क्या नहीं टॉपिक्स के बीच में कन्फ्यूज भी हो जाओगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा ओके स्टेप टू मेक नोट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स

क्रिएट नोट राइट अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से तो अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे नोट बनाने हैं देखिए यू शुड टेक ए फोर शीट जो ए फोर प्लेन शीट होती है ना वो उसका पैकेट खरीद लो फर्स्ट ईयर के अंदर ही पूरा आपकी फाइव ईयर लॉ है चाहे थ्री ईयर लॉ है पूरा टाइम आपके वो काम आएंगे उसके ऊपर मेक पॉइंट और नोट्स ना पॉइंट और नोट्स से मेरा कहने का मतलब है ये नहीं कि आपने बुक उठाई बुक में से पैराग्राफ का पैराग्राफ कॉपी कर दिया पैराग्राफ का पैराग्राफ कॉपी नहीं करना हमने हमने पॉइंटर्स बनाने हैं ठीक है ना पॉइंटर्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ पॉइंटर्स कैसे बनाने हैं देखिए पॉइंटर्स ऐसे बनाने हैं आपने ऑब्वियसली ये लिखना नहीं है मैं आपको बना के दिखा रही हूँ यहाँ पे देखिए क्या करना है यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे ठीक है ना अगर इंट्रोडक्शन के पॉइंटर्स हैं तो इंट्रोडक्शन जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन के पॉइंटर्स लिखेंगे इंट्रोडक्शन के पॉइंटर्स के अंदर नंबर वन पॉइंट सेकेंड थर्ड फोर्थ ठीक है हेडिंग दी आपने मान लो ये फर्स्ट हेडिंग है आपकी हेडिंग के बाद आप नंबर वन पॉइंट थ्री फोर तो अगर आप पॉइंट्स में करें ऐसे लिखेंगे और पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहेगा आपको लर्न करना ईजी रहेगा क्या बेनिफिट रहेगा लर्न करना इजी रहेगा रिटेन करना इजी रहेगा एंड जब एग्जाम में आंसर लिखोगे तो आपको वहां पे लिखना भी इजी रहेगा क्योंकि हमें सेंटेंसेस तो बनाने आते हैं हमें क्या चाहिए मटेरियल, तो मटेरियल कब आएगा जब आप पॉइंटर्स में नोट्स बनाओगे राइट right? समझ रहे हो द नोट शुड नॉट बी ऑफ मोर देन सिक्स पेजेस हर एक टॉपिक का टॉपिक का मतलब मैंने अगेन बताया एक टॉपिक मे बी जो आप चैप्टर वन के आ, कर रहे हो चैप्टर वन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक है ना हर एक क्वेश्चन अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आप उसका नोट note, बनाओ नोट्स बनाओगे उसके ठीक है ना तो वो क्वेश्चन का जो आप आंसर बना रहे हो जो इंपॉर्टेंट है सिक्स पेजेस से ऊपर नहीं जाना चाहिए सिक्स पेजेस प्लस नहीं जाएगा फोर टू फाइव पेजेस के अराउंड ही रखो ठीक है ना क्योंकि हम क्या बना रहे हैं पॉइंट्स वाले नोट्स बना रहे हैं जिसके अंदर हर पॉइंटर अल्टीमेटली सेंटेंस और पैराग्राफ में कन्वर्ट हो सकता है तो उससे क्या होगा उससे क्या होगा आपका आंसर बहुत बड़ा बन जाएगा जितने भी पेजेस का आपने बनाना है उतने का बन जाएगा राइट right? अब वो डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आपको कितनी शीट्स दी जाती हैं कितना आंसर आपको पेजेस का लिखना होता है वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर बट अगर सिक्स पेजेस का आप नोट्स uh, बना रहे हो तो एक बहुत ही अच्छा खासा आंसर आप बिल्डअप कर सकते हो राइट डिवाइड द आंसर विथ प्रॉपर हेडिंग्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिवाइड योर आंसर विथ प्रॉपर हेडिंग्स अगेन जब मैं वीडियो करूंगी और आपको और डिटेल में एपिसोड्स में बताऊंगी कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं क्या क्या आंसर में लिखना है हेडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तो आप अपने नोट्स में ही हेडिंग्स बना लो ठीक है ना तो आपको याद करना भी इजी रहेगा एंड कलरफुल नोट्स बनाने में हमेशा आपको कहती थी नीट एंड कलरफुल नोट्स नहीं बनाने बट यहाँ पे नीट एंड कलरफुल नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं जो आपको समझ में आए

नाउ जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ दैट कंप्लीटली नोट मेकिंग को स्किप मत करो बिकॉज इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू गेट गुड मार्क्स बिकॉज जब आप नोट्स बनाते हो तो कहीं ना कहीं आप मटीरियल चेक करते हो कि कहाँ पे कॉन्टेंट uh, अच्छा दिया हुआ है किस बुक में किसी नोट्स में ठीक है नंबर वन तो आपका बुक का जो होता है वो सीन सॉर्टेड हो जाता है नंबर टू जब आप यू नो नोट्स बनाते हो तो अंडरस्टैंडिंग भी होती है आपको समझ में आता है आप समझने की कोशिश करते हो एंड अगर नोट्स पहले बनाना स्टार्ट करते हो तो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आपका ईजी हो जाता है और एग्जाम से पहले यू जस्ट हैव टू रीड दो नोट्स एंड यू आर डन तो बहुत ही ईजी हो जाती है आपकी लाइफ तो राधर दैन स्किपिंग कम्प्लीटली नोट मेक नोट मेकिंग आप क्या कर सकते हो आप बुक में नोट्स बना सकते हो राइट right? बुक में नोट मेकिंग कर सकते हो आप अपनी गुड कॉन्टेंट प्लस डिफरेंट आंसर इज इक्वल टू मोर मार्क्स अब आपका एक और क्वेश्चन होगा दुखियाँ देखी होंगी आपने दुक्खियाँ होती है छोटी छोटी बुक्स होती हैं उसके अंदर यू नो हरेक टॉपिक का अगेन सिक्स टू एट पेजेस का कॉन्टेंट दिया होता है एंड जो आपके सीनियर्स होंगे मे बी वो आपको कहें ये पढ़ लो पास हो जाओगे पास हो जाओगे सिर्फ पास हो गए गुड मार्क्स नहीं आएंगे गुड मार्क्स कब आएंगे जब थोड़ी सी मेहनत करोगे मेहनत करोगे तो यू विल हैव गुड कॉन्टेंट डिफरेंट आंसर्स अच्छा कंटेंट एंड डिफरेंट आंसर्स अगर ये वाली चीज फॉलो करोगे मैं आपको बताऊंगी बुक्स कैसे चूज करना है कैसे नोट्स बनाने हैं वो मैं आपको बता ही रही हूँ अगर आप बुक्स में भी नोट्स बना रहे हो आपने एक टॉपिक उठाया और आपने जब वो टॉपिक पढ़ा तो आपने देखा उस पर्टिकुलर बुक में इतना अच्छा कॉन्टेंट नहीं दिया उस टॉपिक से रिलेटेड ठीक है तो आप क्या करोगे आप लाइब्रेरी जा सकते हो किसी से बुक फॉरो कर सकते हो नेट पर ढूंढ सकते हो बट ये कब होगा जब बहुत टाइम है एग्जाम से एक दिन पहले दो दिन पहले आप नेट नहीं सर्च करोगे कि मैं ये आंसर कैसे बेटर बनाऊँ बट अगर आप पहले नोट्स बनाओगे देन यू कैन वर्क ऑन योर आंसर्स राइट दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू से अंडरस्टैंडिंग टेक्स प्लेस वेन यू रीड एंड प्रिपेयर नोट्स आप देखोगे बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग टेक्स प्लेस वेन यू मेक नोट स्टेप थ्री हाउ टू चूज द राइट बुक्स आई नो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टू चूज द राइट बुक बट आई एम गोइंग टू टेल यू सम वेरी इजी वेज नंबर वन इज़ गो टू द लाइब्रेरी आई मीन लाइब्रेरी में जाके इतनी सारी बुक्स होती हैं जब आप देखते हो ना कि यू नो यू गो थ्रू अ बुक देन आपको पता चलता है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी बुक बेस्ट है मे बी कोई बुक है जिसके अंदर बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी गई है तो आप कहते हो नहीं ये मेरे लिए नहीं है दूसरी बुक हो सकती है जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज की है बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है एंड यू लाइक like, नो मैं इस बुक में से नहीं पढ़ सकती राइट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स बेस्ट टिप जो मैं आपको यहाँ पे ये देना चाहूंगी कि बिफोर यू चूज अ बुक और बुक्स मैं आपको ये कहूँगी कि एनालाइज कर लो जो मैंने आपको पहले वो बताया ना कि आपको सारा क्वेश्चन पेपर एनालाइज है टॉपिक्स चूज करने हैं वो कर लो एंड देन यू गो फॉर द बुक्स तो उसके बाद आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हो कि कौन सी बुक में कौन सा टॉपिक अच्छा दिया हुआ है राइट नेक्स्ट इज डू चेक द बेयर एक्ट ऑफ द सब्जेक्ट कैन यू क्यूरेट एंड आंसर ओनली फ्रॉम द बेर एक्ट नाउ बहुत सारे बच्चे दे गिव अस टू द बेर एक्ट जो स्टूडेंट लाइफ होती है कोई भी बच्चा बेयर एक्ट के पास नहीं जाना चाहता बिकॉज बेयर एक्ट से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अपने फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट रीडिंग बेयर एक्ट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्स फैमिली लॉ का बेयर एक्स बिकॉज नॉर्मली फर्स्ट ईयर में यही सब्जेक्ट्स होते हैं तो ट्राई रीडिंग बेयर एक्ट इन फैक्ट यू शुड कैरी ओर बेयर एक्स टू द क्लास फोर्स करो अपने आप को टू रीड बेयर एक्ट्स बिकॉज बुक में इतनी लीगल लैंग्वेज नहीं यूज़ करी गई होती है जितनी आपकी बेयर एक्ट्स में करी गई होती है एंड अगर आप आंसर क्यूरेट कर सकते हो फ्रॉम बेयर एक्ट मतलब पूरा का पूरा आंसर आपका बेयर एक्ट से बनता है तो यू शुड क्रिएट दैट आंसर फ्रॉम बेयर एक्ट इट्स इनकल्केट करो बेयर एक्ट को अपनी आंसर uh, में अपने आंसर में मैं ये नहीं कह रही हूँ रट्टा मारो पूरा का पूरा प्रोविजन बट ट्राई टू इनकल्केट इट इन योर आंसर राइट नेक्स्ट इज

जो कह रहा है उसके पीछे लग के बुक मत खरीदो इनस्टेड यू शुड गो बाय योर ओन इंट्यूशन जो आपको बुक अच्छी लग रही है उसके लिए जाओ नहीं तो आप मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम आई कैन हेल्प यू और देर ओके सम बोनस स्टेप्स और राधर फ्रिक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग देखिए इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर नोट वन मंथ बिफोर द एग्जाम अगर अच्छे से लग जाओगे ना दैर आई वॉन्ट टू प्रिपेयर नोट मतलब फाइव टू सिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर अगर वन मंथ पहले भी पढ़ने लग जाओगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपके बहुत अच्छे से नोट्स बन जाएंगे नेक्स्ट इज फ्रॉम हाउ मेनी बुक्स यू शुड स्टडी अब बहुत लोगों को लगता है कि चार से पांच बुक्स यूज करूंगा तो बहुत ही बढ़िया नोट्स बनेंगे देखिए इवन इफ यूर प्रिपेयरिंग नोट्स फ्रॉम वन बुक वो बुक अच्छी होनी चाहिए उसमें कॉन्टेंट होना चाहिए देखिए, वी नो हाउ टू रिपीट टेंथ ट्वेल्थ तक हमें आंसर लिखने आगे हमें पता है कैसे रिपीट करना है हम आंसर उस क्वेश्चन का भी लिख सकते हैं जिसका हमें कुछ भी नहीं आता राइट वी नो दैट हमें पता है राइट right? बट हमें क्या चाहिए गुड कंटेंट अगर वो गुड कंटेंट आपको एक बुक में भी मिल रहा है बहुत अच्छी बात है बट अगर आपको टॉपिक्स मतलब कई बार होता है कि तीन चार टॉपिक्स एक बुक में अच्छे दिए होते हैं दो तीन टॉपिक्स दूसरी बुक में अच्छे दिए होते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं राइट और यू कैन ऑल्सो यू नो एक कोई अच्छा दोस्त है जो आपका आप उसके साथ नोट्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं दैट इन इन टॉपिक्स के तुम नोट्स बना लो इन इन के मैं बना लूंगा तो नंबर ऑफ बुक्स पे मत जाइए Good content is the aim. राइट right? और बुक्स पढ़नी पड़ेंगी ऑनलाइन मटेरियल पे नो डाउट आप रिलाई कर सकते हो बट बुक्स में से जो आपको मिलेगा बुक्स प्लस बेयर एक्ट बुक्स प्लस बेयर एक्ट पे आपको रिलाई करना है अब अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है तो मैंने उसके ऊपर वीडियो करी हुई है दैट हाउ यू शुड रीड बेयर एक्ट हाउ यू शुड अंडरस्टैंड बेयर एक्ट अगर आप चाहते हो मैं एक और डिटेल वीडियो कर दूंगी लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए दैट हाउ यू शुड स्टडी और रीड बेयर एक्ट बट गाइज मेक श्योर दैट यू स्टार्ट स्टडिंग स्टार्ट रीडिंग बहुत बहुत जरूरी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और अगर आप चाहते हैं आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं लॉगेरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके नीचे बताइए कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोज बना सकूँ जो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे मैं एट आई एम लॉगेरी के नाम से हूँ वहां पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहां पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ तो प्लीज अपनी ई मेल नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है वहाँ पे जाके अपना ई मेल ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुंच पहुँच जाए और आप वो देख सके वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूं आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्द बाय